जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब? आज के खुश में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार घट स्थापना और देवी पूजा हमेशा सुबह प्रातःकाल में की जाती है, लेकिन 7 अक्टूबर को सुबह चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग बन रहा है। तो चित्रा नक्षत्र रात को 7 तारीख की रात को 9:13 तक और वैधृति योग रात्रि 1:39 तक है। शास्त्रों के अनुसार चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग रहित अश्विन शुक्ल प्रतिपदा में घट स्थापना प्रातःकाल की जानी चाहिए, लेकिन यदि अश्विन शुक्ल प्रतिपदा मध्यान्ह तक चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग से रहित ना मिले तो उस स्थिति में अभिजीत मुहूर्त ही विशेष रहता है। अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना की जानी चाहिए। तो इस प्रकार 7 अक्टूबर 2021 को शारदीय नवरात्र में घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में की जाएगी। यहाँ आपको मुख्य शहरों के कुछ अभिजीत मुहूर्त बताने जा रही हूँ। इन शहरों के आसपास अगर आपके गांव छोटे शहर लगते हैं तो अपने सूर्य उदय की गणना के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ कि किस शहर में अभिजीत मुहूर्त कितने से कितने बजे तक रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली में रहेगा अभिजीत मुहूर्त 11:46 से लेकर दोपहर के 12:32 तक। मुंबई में रहेगा दोपहर को 12:04 से लेकर 12:51 तक। कोलकाता में रहेगा पूरे 11 बजे से, सुबह 11 बजे से 11:47 तक। फिर इसके बाद चेन्नई में रहेगा सुबह 11:33 से लेकर 12:20 तक। जम्मू में रहेगा 11:54 से लेकर 12:40 तक। फिर इसके बाद शिमला में रहेगा दोपहर के 11:55 से लेकर 12:41 तक। चंडीगढ़ में रहेगा 11:47 से लेकर दोपहर 12:30 तक। जयपुर का समय रहेगा अभिजीत का 11:51 से लेकर दोपहर के 12:37 तक। गांधीनगर में रहेगा 12:03 से दोपहर 12:49 तक। लखनऊ में रहेगा दोपहर के ही 11:30 से लेकर पूरे 11:30 से लेकर 12:17 तक। वाराणसी में रहेगा 11:22 से 12:08 तक। भोपाल में रहेगा 11:44 से लेकर 12:30 तक। देहरादून का समय रहेगा 11:42 से लेकर 12:28 तक। रायपुर का समय रहेगा 11:27 से लेकर 12:14 तक। रांची का समय रहेगा 11:12 के सुबह से लेकर 11:59 तक। पटना का समय रहेगा 11:13 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। भुवनेश्वर का समय रहेगा सुबह 11:11 से लेकर 11:57 तक। गुवाहाटी का समय रहेगा 10:47 से लेकर सुबह के 11:34 तक। बेंगलुरु में रहेगा सुबह 11:43 से लेकर दोपहर के 12:31 तक। हैदराबाद का समय रहेगा 11:40 से लेकर 12:27 तक। तो ये है समय अभिजीत मुहूर्त का, घट स्थापना का मुहूर्त। आप अपने शहर के, इन शहरों के आसपास भी अगर लगते हैं तो लगभग यही समय रहेगा। आप अपने सूर्य उदय के हिसाब से, अपने सिटी के हिसाब से आप देख लीजिएगा कितने बजे आपके शहर में सूर्य उदय होता है, तो उस हिसाब से आप ये गणना कर सकते हैं। तो बहुत ही विशेष जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण नवरात्रि का त्यौहार होता है, माँ भगवती की पूजा आराधना की जाती है।
शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में शुभ कार्य अगर किए जाएं तभी वे आपको पूर्ण फल देते हैं। तो इसीलिए माँ भगवती की आराधना का पहला दिन घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। और शुभ मुहूर्त इस समय अभिजीत मुहूर्त, क्योंकि जैसा कि आपको पहले ही बताया, चित्रा नक्षत्र 6 तारीख को ही रात को लग जाएगा, तो पूरा दिन चित्रा नक्षत्र में रहेगा, वैधृति योग में ही रहेगा। तो इसीलिए पूरा कुल मिलाकर जो गणना की जा रही है, अभिजीत मुहूर्त ही सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त निकल रहा है। तो यही सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में आपको घट स्थापना करनी चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत विशेष जानकारी है, सबके साथ इसे शेयर कीजिए ताकि सभी इस शुभ कार्य को शुभ मुहूर्त में करें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।